बोनी सर, टू की तैयारियां कैसी हैं और कब तक, क्योंकि कई दिनों से चर्चा का विषय है कि वेस्ट इंडिया टू बन रही है, तो आप प्लीज थोड़ा इस पर लाइट डालें। तैयारी तो यूं है कि हम तैयार हैं करने के लिए, पर एक अच्छा स्क्रिप्ट बन के सामने आए। जैसे हमने पहली मिस्टर इंडिया बनाई थी, एक थॉट था, एक आइडिया था, एक जो स्टोरी लाइन थी जावेद साहब ने सुनाई थी, जिससे हम सब एक्साइट हो गए थे। तो जिस दिन सीक्वल की कोई ऐसी लाइन आएगी तो डेफिनेटली विल जंप इनटू इट, एंड हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि एक पक्का इरादा है कि इसका सीक्वल बनाएंगे और ज़रूर बनेगा। और अभी 30 साल हो गए हैं, थोड़ा इन्हें और घूम लेने दीजिए, वापस आ जाएंगे, फिक्र नहीं, फिर इनका सीक्वल बनेगा। वेल यू सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, एज ही सेड कि मैं अभी घूम रहा हूँ, जब एक जगह पहुंच जाऊंगा तो ये हर चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। अगला सवाल अरुण भैया से है। अरुण भैया, अगर आप इस युग में 2015 में अगर उस रूप में वापस आए तो गायब होकर के क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं गायब तो हो नहीं सकता और गायब होना भी नहीं चाहता, मगर इस युग में अगर, बस मेरा तो हमेशा यही रहा कि सबका मनोरंजन करूं और एंटरटेन करूं और लोग हंसते रहें और खुश रहें और पीसफुल रहें। बस पीस, दैट्स, मैंने सारी बातें आपसे कही थी कि सबको, सब हंसते रहें, खुश रहें और मनोरंजन हम करते रहें। अनिल सर, वेल एज भोनी जी मेंशन्ड, आई मीन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, यू नो इट्स टू अर्ली टू, एंड ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ही विल डिसाइड। मुझ पर एक एहसान करना, बच्चों के लिए सब्सक्राइब करना,